Hi everyone, welcome back to another vlog and welcome to my YouTube channel. So today is the second vlog of Chandigarh, and here I have started my vlog with the breakfast and my morning tea. तो अभी हम चाय पी रहे हैं और ब्रेकफास्ट में पराठा और रायता था. और मैंने एक चीज़ नोटिस किया, चंडीगढ़ में रायता हर खाने के साथ लोग सर्व करते हैं, दैट्स गुड. तो यहाँ पे हम लोग निकल चुके हैं टू रूम अराउंड द चंडीगढ़, एंड आई एम हियर विद वन ऑफ माय कलीग. और हम सबसे पहले जाएंगे सुखना लेक. जो कैब वाले भैया हैं उन्होंने बताया कि मतलब सुखना लेक बहुत सुंदर है, बट बहुत ज़्यादा धूप हो रही थी तो हम काफ़ी परेशान हो गए वहाँ पे. बट इट वाज सो ब्यूटीफुल. चंडीगढ़ खुद में ही बहुत सुंदर है, इतनी सारी ग्रीनरी और सच अ क्लीन सिटी. बहुत बहुत प्यारा है, मतलब हर चीज़ बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड है. So we are here at Sukhna Lake and you can see how beautiful it is. ये फ़ोटो शूट के लिए तो परफेक्ट लोकेशन है. अगर आपका प्री वेडिंग शूट हो एंड ऑल तो आप आ सकते हैं यहाँ पे. और इस लेक में बोटिंग भी होता है, बट वी डिंट हैव चूजन क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप था और सही नहीं था, बहुत धूप में परेशान हो जाती तो हम नहीं किए. और बहुत सारे लोग कर रहे थे बट मेरा मन नहीं हुआ. और यहाँ पे इतने सारे फूल, बहुत डिफरेंट डिफरेंट, एंड वी हैव टेकन स्टोन ऑल्सो फ्रॉम हियर. और फूल तो इतने सुंदर थे, इट जस्ट मेड मी क्रेजी. इसे ओपन में दिल्ली में होगा तो लोग पागल है ना? सही बोल. So we are at Sukhna Lake and this is so good. मतलब इतनी ग्रीनरी है यहाँ पे, ऐसे पेड़ हमने कभी देखे भी नहीं है कहीं पे, इतनी सुंदर है ये. और इतने सारे रॉक्स में स्ट्रक्चर बना रखा है, वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है. Oh my God, बहुत सुंदर. And now this is the next location, which is Rose Garden. और यहाँ पे जैसे एंट्री करते हैं ये बहुत सुंदर सा मंदिर का पूरा सेटअप बनाया हुआ है. यहाँ पे शिव जी का मूर्ति है और बहुत छोटे छोटे मंदिर, नंदी, सब कुछ है. बहुत सुंदर है ये. और यहाँ पे इतने सारे वैरायटीज़ है रोज़ के, मतलब मैंने इतने सारे वैरायटीज़ देखे भी नहीं है जितने सारे यहाँ पे हैं. वाइट रोज़ तो बहुत ज़्यादा है, और ये बहुत डिफरेंट डिफरेंट कलर्स. ये मल्टी, आई थिंक इसमें
टू कलर का मिक्स है और दिस पिंक एंड वाइट गॉड बहुत मतलब पूरे गार्डन में सिर्फ रोज़ फ्लावर्स ही दिखते हैं, बहुत सुंदर बहुत। एंड वन ऑफ द बेस्ट पार्ट दिस मतलब इसमें जब हवा चलती है कितनी अच्छी साउंड आती है, आप सुन सकते हैं यहाँ पे थोड़ी सी साउंड आई हैव पुट इट क्योंकि इसको हिलाया था तो इससे आवाज़ आ रही थी। दिस इज़ सो गुड, ओ माई गॉड। और फूलों की तो एक दुनिया है ये जहाँ पे बस फूल ही फूल है, ओ माई गॉड। आई एम जस्ट लविंग विद चंडीगढ़, सो प्रीटी। आप कहीं पर भी बैठ के आराम से चिल कर सकते हैं, मतलब इतना कूल प्लेस है ये कि देखिए ये एक ऐसे ही वे है और कितना सुंदर है ये। यहाँ पे इतने सारे बर्ड्स का चिरपिंग एंड ऑल, में पैरट भी देखा यहाँ पे, ये ब्रिज सो क्यूट। और ये रोज़ गार्डन के जस्ट सामने रोड को क्रॉस करते ही ये पराठा बेचने वाले भैया हैं। यहाँ पे बहुत सारे भीड़ होते हैं क्योंकि चंडीगढ़ में आपको ज़्यादा स्ट्रीट फूड मिलेगी नहीं, तो ये वाली जो जगह है यहाँ पे मैंने एक ही मतलब दो चार देखी होंगी पूरे जहाँ जहाँ मैं घूमी हूँ, तो ये पराठा बनाती है। यहाँ पे सारे डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज़ है पराठे के, 30 रुपीज़ का ही पराठा है, बहुत सही था, बहुत लोग आ रहे थे वहाँ पर खाने के लिए। और ये एक ओवर व्यू है चंडीगढ़ का, जो यहाँ के घर है इतने प्यारे प्यारे हैं, मतलब अमीरों की दुनिया है ये, बहुत सुंदर है। और मुझे तो सबसे यहाँ की क्लीन एंड ग्रीनरी, ओ गॉड सो गुड, हैट्स अप टू द गाइस हु मेड इट मेंटेन्ड। एंड दिस इज़ आर कैंपस वेयर वी स्टेड, एंड यहाँ पे जो घंटी था ये रात को बजाया जाता है हर टाइम पे ताकि गार्ड मतलब जगे रहें। और वी हैव आर लंच, तो लंच में वही रोटी दाल सब्जी साग फ्राइड राइस ये सब था। फिर हमने जब वहाँ से आने के बाद हमने थोड़ा देर रेस्ट किया, फिर हमने लंच किया। और क्योंकि हम चंडीगढ़ में दो ही जगह गए घूमने के लिए क्योंकि हमें निकलना था, तो अभी लंच करेंगे फिर एक घंटे बाद हम निकलेंगे। हमारी ट्रेन है 6:30-7 बजे के अप्रॉक्स आई थिंक। तो
तो हमारा कैब आ चुका है, वी हैव टू लीव दिस प्लेस एंड दिस इज सो ब्यूटीफुल। मेरा फीडबैक बहुत अच्छा था इस प्लेस के लिए, प्रिटी प्रिटी प्रिटी। और वी जस्ट रीच चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन एंड ट्रेन इज नॉट अराइव्ड येट, सो वी आर वेटिंग फॉर दैट। और हम 10:30 बजे तक पहुँच जाएंगे दिल्ली, सो सी यू सून। और नाउ वी हैव टेकन आवर ट्रेन, सो ओके बाय बाय। इफ यू लाइक दिस ब्लॉग प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू।